हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा भारद्वाज। सो एज यू ऑल नो कि हमने एक एमसीक्यू बेस्ड और आपका महात्मा गांधी जी के बेस्ड जो आपका लेक्चर सीरीज स्टार्ट करा है, दो सीरीज चल रहे हैं हमारे पैरेलल। एक आपका लेक्चर है फुल और उसके ही बेस्ड आपका एमसीक्यू है। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है। जिस भी बच्चे ने कुछ अभी लेक्चर जो दो हो चुके हैं नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। तीन लेक्चर हो चुके हैं, एक एमसीक्यू बेस्ड है और दो लेक्चर हुए। सो इस लेक्चर में हम जो है जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज आपका जर्नी टू इंग्लैंड। तो गांधी जी जब इंग्लैंड गए थे तो उसके बेस कुछ एमसीक्यूज जो है हमने फ्रेम करे हैं आपके लिए, तो उस पर ये टॉपिक रहने वाला है बेस्ड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर गांधी जी एंड कस्तूरबा गांधी गेट मैरिड। तो कौन सी साल जो है गांधी जी और कस्तूरबा गांधी की शादी हुई है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप पॉज कर दो एक दो सेकंड के लिए स्क्रीन, देन अपना आंसर बनाओ कौन सा है, साइड में लिखते जाओ अपने पास। लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में एक लिस्ट बना के अपलोड कर सकते हो कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। देन मैं पिन कर दूंगा जिस भी बच्चे ने सबसे ज्यादा सही किए होंगे क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो हमने पढ़ा था बेटा लास्ट लेक्चर में, तो 1883 के अंदर हमने देखा था कि गांधी जी और आपका कस्तूरबा गांधी का क्या हुआ था, शादी हुई थी और 1885 में ही उनका पहला बच्चा भी हुआ था जिसकी डेथ हो गई थी बहुत जल्दी, है ना। देन उनका फिर अगेन एक बच्चा हुआ था 1888 के टाइम पीरियड में, उसके बाद गांधी जी यहां से इंग्लैंड चले गए थे। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलते हैं, विच वन इज नॉट द सन ऑफ गांधी जी। तो इनमें से कौन सा जो है गांधी जी का बेटा नहीं है, हरिलाल नहीं है, मणिलाल नहीं है, रामदास नहीं है या हरिदास नहीं है, तो कौन नहीं है। तो हमने पढ़ा था, अभी मैं आपको बता रहा था कि गांधी जी के जो है एक बेटा पहले हुआ था, देन उसकी डेथ हुई थी। आफ्टर दैट गांधी जी के चार बेटे हुए थे, तो गांधी जी के टोटल चार बेटे हैं, उन चार में से एक नहीं है और वो कौन नहीं है, दैट इज आपका हरिदास। ठीक है, तो हरिदास की जगह देवदास है बेटा, फोर्थ जो बेटा है। ठीक है, आप लेक्चर देख लो, वहां पे हमने डिटेल डिस्कशन करा है। ओके, सो दैट्स इट। तो यहाँ पे कौन नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, इन विच डेट गांधी जी सेल फॉर इंग्लैंड फ्रॉम मुंबई फर्स्ट टाइम। तो कौन सा आपका डेट था, ईयर था, मंथ था जिस टाइम गांधी जी जो है पहली बार मुंबई से इंग्लैंड गए। तो यस, कौन सा था, तो 4 सितंबर 1888 था या 89 था, 14 सितंबर था, 88 और 89। तो करेक्ट जो आंसर है दैट इज आपका 4 सितंबर 1888। आप साथ में ये भी आंसर बता देना कि कौन से मंथ को और कौन सी डेट को गांधी जी पहुंचे थे कहां, इंग्लैंड। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु गेट गांधी जी टू टेक 3 oaths बिफोर वेंट टू लंडन। हमने पढ़ा था अपने लेक्चर में कि जब गांधी जी जो है जाने वाले हैं इंग्लैंड, तो वहां पर उसको उनको भेजने के लिए गांधी जी की जो माता जी थी वो थोड़ा सा मतलब भेजना नहीं चाह रही थी, क्योंकि कुछ उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस थे जो इंग्लैंड को लेकर थे कि वहां जाके जो है धर्म बदल जाता है, गलत संगति में पड़ जाते हैं, इस तरह की चीजें। तो हमने पढ़ा था कि कुछ ओथ उनको दिलवाया गया था किसी के द्वारा। ठीक है, तो किसने दिलवाया था, उसके बाद ही उनको भेजा गया था इंग्लैंड, तो वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए बी सी डी में से कौन सा आंसर है, तो दैट इज आपका बिचर जी स्वामी। तो बिचर जी स्वामी जो एक जैन मॉन्क थे और गांधी जी के फैमिली एक गाइड भी थे, ठीक है, तो उन्होंने इनसे ये ओथ दिलवाया था। तो कितने ओथ थे, कौन कौन से थे, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, इन विच सिटी गांधी जी अराइव फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड। तो गांधी जी जो हैं जब आपके इंग्लैंड जाते हैं तो बोलते हैं कौन से शहर में वो फर्स्ट टाइम जो है पहुंचे थे। ठीक है, तो इनमें से कौन से शहर में पहुंचे थे फर्स्ट टाइम, साउथ एम्पटन में, लंदन में, ब्रिस्टल में और आपका रिचमाउंड में। दैट वॉज आपका साउथ एम्पटन। तो साउथ एम्पटन में पहली बार पहुंचे थे, तो ये करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, बाय रीडिंग विच बुक गांधी जी बिकेम वेजिटेरियन बाय चॉइस। तो गांधी जी जो है वो वेजिटेरियन बाय चॉइस बनते हैं, बोलते हैं कौन सी किताब को पढ़ने के बाद, है ना। हमने पढ़ा है लेक्चर में कि क्या हुआ था, क्या इवेंट हो रहा था, है ना, तो कैसे ये सब हुआ। देन ए बी सी में कौन सा किताब है, चार किताबें हैं राइटर के साथ। ठीक है, तो पहला जो बुक है दैट इज हेनरी सॉल्ट्स का, कौन सा,
लीव फॉर आपका वेजिटेरियनिज्म. नेक्स्ट जो बुक है दैट इज डॉक्टर किंग्सफोर्ड का द परफेक्ट वे इन डाइट. नेक्स्ट बुक जो है दैट इज एथिक्स ऑफ डाइट. नेक्स्ट बुक जो है दैट इज आपका हेल्थ एंड हाइजीन. तो कौन सा बुक जो पढ़ा गांधी जी ने जिसको पढ़ के वो क्या बने वेजिटेरियन बाय चॉइस. तो दैट इज आपका हेनरी सॉल्ट का प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म. तो हमने देखा था कि एक रात गांधी जी जो है एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट होता है वहां उनको कुछ किताब मिलती है उसको पढ़ते हैं. हमने एक लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है, आप जाके लेक्चर देख लेना जिस बच्चे ने नहीं देखा. तो आंसर इज हेनरी सॉल्ट. और ये जो बाकी किताब है बेटा ये भी गांधी जी ने पढ़ी थी, लेकिन सबसे पहली जो पढ़ी थी किताब वहां वो ये फर्स्ट वाली है. और उसके बाद उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है गांधी जी की लाइफ पे, फिर वो वेजिटेरियन बाय चॉइस बनते हैं. नहीं तो पहले वो धर्म या इस बाकी चीजों से डर के मतलब नहीं खा रहे थे नॉन वेज एंड ऑल. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन विच टाउन ऑफ लंडन गांधी जी फाउंडेड अ क्लब ऑफ वेजिटेरियन सोसाइटी टू प्रमोट वेजिटेरियनिज्म इन 1890. सो 1890 के अंदर गांधी जी ने जो है एक क्लब बनाया, और जो क्लब किसका था, वेजिटेरियन एक सोसाइटी थी वेजिटेरियनिज्म को जो प्रमोट करी थी उसी का एक क्लब बनाया था 1890 में. जो मैंने बताया था एक सॉल्ट का बुक पढ़ा था उन्होंने, ठीक है, उससे वो इतने प्रभावित हुए थे. तो यहाँ पे ये कह रहे कौन से सिटी में बनाया था इनमें से, तो रिचमाउंट में बनाया था या फिर आपका किंगस्टन में बनाया था, साउथ एम्पटन में बनाया था, बेस वाटर में बनाया था. तो कौन सी सिटी में, ऑप्शन डी बेस वाटर. तो बेस वाटर जो है उनकी लोकेलिटी था, एक टाउन था. तो वहां पर गांधी जी ने एक क्या बनाया, एक इंडिविजुअल क्लब बनाया जिसमें उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ये सब भी अपॉइंट किए. कुछ टाइम तक चला वो क्लब, देन गांधी जी वापस आ गए थे, फिर क्लब बन गया था, ठीक है. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. एट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन विच ईयर गांधी जी फर्स्ट स्टैच्यू वॉज इंस्टॉल्ड इन लंडन एंड एट विच प्लेस. तो महात्मा गांधी जी का पहली मूर्ति जो है लंडन में कहां किस जगह पर जो है आपका स्थापित की गई थी पहली बार, ठीक है. तो कौन सा सन है, कौन सी जगह है ये बताने आपको. ये है आपका चार ऑप्शन, इनमें से जो ऑप्शन सही है बेटा दैट इज 1968. बाकी भी सारी जगहें महात्मा गांधी की मूर्ति से ही रिलेटेड है. आप ऑप्शंस को जाके चेक करना और देखो जरा कौन सी जगह पे कौन सी मूर्ति है, ठीक है. ओके, सो अच्छा एक आपके लिए क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट में बताना कि वर्ल्ड में इंडिया में पहले तो गांधी जी के सबसे ज्यादा स्टैच्यू है, वो तो होना ही थे इंडिया में. आफ्टर इंडिया मुझे बताना कौन से देश में गांधी जी के सबसे ज्यादा जो है क्या है स्टैच्यूज है, ठीक है. तो ये मुझे कमेंट में आंसर करके बताना. ओके, सो 1968 के अंदर टेविस्टॉक गार्डन जो है यहां पर पहला जो है गांधी जी का जो मूर्ति है उसकी स्थापना जो है की गई, कहा लंदन के अंदर, ठीक है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब ऑफ वेजिटेरियन सोसाइटी फाउंडेड बाई गांधी जी इन बेस वाटर लंडन. लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि बेस वाटर लंडन में उन्होंने क्लब बनाया था, देन मैंने बताया था कि वहां पे उन्होंने उस क्लब के सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल ये सब भी बनाए थे. तो बोलते सेक्रेटरी कौन था, हमने क्लास में पढ़ा है सब कुछ डिटेल में, मैंने आपको समझाया वहां, ठीक है. तो वहां जाके आप देखो, और जिसने देख लिया है जिसने पढ़ लिया है खुद से भी वो प्रैक्टिस आप यहाँ पे आंसर करो फिर. तो कौन थे बेटा, गांधी जी खुद. तो गांधी जी जो है उसके खुद सेक्रेटरी थे. मैं वेजिटेरियन जो सोसाइटी है उसके मेंबर गांधी जी ने 1890 में बनते हैं, तो वेजिटेरियन सोसाइटी के सेक्रेटरी नहीं, क्लब के सेक्रेटरी, जो गांधी जी ने खुद क्लब बनाया था, ठीक है. तो वो जो क्लब है उसके ये सेक्रेटरी गांधी जी खुद बने थे. ओके, सो देन दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. तो बोलते हैं विच वन वॉज नॉट द ओथ टेकन बाय गांधी जी बिफोर गोइंग टू लंडन. तो मैंने आपको बताया था कि ओथ दिलवाए थे गांधी जी से, तीन ओथ थे, ठीक है. बिचर्स दास स्वामी ने दिलवाए थे, जैन जो मॉन्ग थे. तो वो बोलता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा नहीं है भाई ओथ जो गांधी जी ने लिया था. तो बोलते हैं वाइन, कि वाइन को हाथ नहीं, ये सारी जो चीजें इस तरह से कि इसको हाथ नहीं लगाना या नहीं जाना है, ठीक है. तो ये चीज है जैसे वाइन को हाथ नहीं लगाना है ना, वोमेन से दूर रहना है, मीट से दूर रहना है, और बोलते हैं क्लब्स से दूर रहना है. तो कौन सा इनमें से जो है ओथ नहीं है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं क्वेश्चन. हर बच्चा जो भी देख रहा है ना, आप कमेंट में मैसेज करो मुझे कौन सा जो है 10th क्वेश्चन का आंसर है सही. ओके, सो थैंक्स.
गुड लक। नेक्स्ट आपका जो है लेक्चर थर्ड आने वाला है, डिटेल लेक्चर, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर एमसीक्यूज भी करेंगे, ठीक है? ओके, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।